नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया की खास पेशकश। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टैलेंटेड इंडिया कार्टून्स के जरिए बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है। हमारे कार्टून्स में देश के ताज़ातरीन मुद्दे होते हैं, किसी शख्सियत को प्रोत्साहित करने से लेकर सरकार के कानों तक कोई भी बात पहुँचाने की हमारी कोशिश होती है। वैसे तो कार्टून का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक तस्वीर उभर आती है और हम अपने आप मुस्कुरा देते हैं, लेकिन देश में इन दिनों जो हालात चल रहे हैं उसे देखकर हमें भी ऐसा लगने लगा है कि हमारे कार्टूनिस्ट राकेश रंजन के कार्टून शायद थोड़े फीके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी कैबिनेट में राकेश रंजन से भी बेहतर लोगों को शामिल कर रखा है। मसलन इन्हें ही देख लीजिए। $5 trillion इकोनॉमी की बात नरेंद्र मोदी जी ने हवा में नहीं की, फिर ये 5 trillion वैसा ही है। सुमित जी, आपको याद होगा, हालांकि अभी ये बोल देंगे नहीं 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 हमने नहीं कहा था वो बात, तो 15 lakh rupees सबके खाते में आएंगे, आगे होंगे सबके आने वाले, ये जो पूरा 5 वर्ष है इसमें हम $2 trillion जोड़ेंगे, आपके आशीर्वाद से जोड़ेंगे, हिंदुस्तान की मेहनत से जोड़ेंगे। संबित भैया, 5 trillion में कितने जीरो होते हैं बताना, बताओ ना। बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शकों, बताता बैठो, बता दो, आप 5 trillion की बात कर रहे हो, बताओ 5 trillion में कितने, बताता आप सुनो, आज बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को, संबित पात्रा जी का ज्ञान, 5 trillion में कितने जीरो होते हैं। चलिए, आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, देख लेना जवाब, नहीं मैं जवाब देता हूँ, 5 trillion में कितने जीरो होते हैं, मैं जवाब, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा तो फिर उत्तेजित हो गया, या तो गाना सुना दे फिर, अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके। तो चलिए, इन लोगों को तो आप देखते ही रहेंगे टीवी पर और अपना मनोरंजन करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं कार्टून्स की। और इस हफ्ते टैलेंटेड इंडिया के खजाने से हमने कुछ कार्टून्स निकाले हैं जो शायद आपको बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, जो शायद किसी और को समझ में नहीं आती है। पहला कार्टून, ये कार्टून हमने 9 सितंबर को यानी सोमवार के दिन जारी किया था। इस कार्टून में 2 रिपोर्टर हैं और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत हो रही है चंद्रयान 2 पर, और जिस तरह चांद पर हमारा लैंडर विक्रम धड़ाम से देश की अर्थव्यवस्था की तरह जाकर गिरा है, 2 रिपोर्टर प्रधानमंत्री मोदी को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब, यदि आप कहें तो हम जाकर इस लैंडर को सीधा करके आ सकते हैं, क्योंकि इसरो के वैज्ञानिक जो हैं वो तो लैंडर को सीधा कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जितने उत्साह में हमारे देश के रिपोर्टर चंद्रयान 2 को लेकर थे, उतने ही उत्साह में हम सब भी थे। यही कारण है कि जब चंद्रयान 2 को लेकर कार्टून बनाया गया तो उत्साह में इसरो की स्पेलिंग इरसो कर दी गई। और निश्चित रूप से जिस तरह देश बिना तर्क के चल रहा है और लोग समझ रहे हैं, आप भी समझ जाएंगे कि हमारा इशारा क्या है। बहरहाल, ये तो बात हुई कार्टून की, लेकिन हमारे रिपोर्टर क्या समझा रहे हैं, ये देश के उसी चैनल के रिपोर्टर हैं जो हमेशा सरकार की तारीफ करते रहते हैं, और ये जब चांद पर जाएंगे तो विक्रम को भी समझा कराएंगे कि भाई, किसी भी जगह पर जाना हो तो गोदी में कैसे बैठा जाता है ये हमसे सीखिए, क्योंकि आखिरकार हम देश के गोदी मीडिया जो हैं। दूसरा कार्टून, ये एक राजनीतिक टून है जिसे सिख दंगों की फाइल केंद्र सरकार फिर से खुलेगी इस विषय पर बनाया गया है। हम सभी जानते हैं कि 1984 के सिख दंगों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का नाम भी आया था, लेकिन अब कमलनाथ इस मामले से बरी हो चुके हैं। ऐसे में भाजपा के कई नेता हैं जो इस इंतजार में हैं कि मध्य प्रदेश में आखिरकार कमलनाथ की सरकार अब गिरेगी, तब गिरेगी, कैसे गिरेगी, लेकिन इन लोगों का ऐसा मानना है कितने कवायदें करने की जगह सरकार को एक बार में ही धड़ल्ले से गिरा दिया जाए। और वैसे भी मध्य प्रदेश के कई बड़े नेता कह चुके हैं कि जब बोस का इशारा होगा तो सरकार गिरा दी जाएगी। सरकार भी कैसी सरकार है, ये हमारी कृपा से सरकार चल रही है। जिस दिन ऊपर से बोस का इशारा हो जाएगा ना, Thank you.
तीसरा कार्टून अच्छे दिन आने वाले हैं, ये नारा लेकर हम सभी देशवासियों ने एक सपना देखा था। हमारे प्रधानमंत्री यानी उन लोगों के जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, उन्होंने तो कहा भी था कि मित्रों अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन जब से देश में सरकार आई है आज 5 साल और 107 दिन हो चुके हैं, अच्छे दिन कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में देश में धड़ाम से गिरती हुई जीडीपी को लेकर जिस तरह से हमारे वरिष्ठ नेता बयान दे रहे हैं, ये मंदी के उन जख्मों पर उस नमक की तरह है जो खुशी के हमारे देशवासियों की आंखें नम कर देता है। लोगों का यह कहना है कि इस कार्टून की तरह हमारे प्रधानमंत्री तो इकोनॉमी का छक्का मारने ही वाले थे, लेकिन कुछ देशद्रोहियों ने हवा में ही इकोनॉमी की गेंद 2 टुकड़ों में बांट दी। चौथा कार्टून, आसमान का रंग क्या है? आप कहेंगे नीला है, हम कहेंगे नहीं, जो सरकार कहे वो है। देश में तर्कों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। 5 साल पहले तर्कों की एक किताब को बंद करके किसी अलमारी के कोने में ऐसा दबाया गया कि उसे पढ़ना तो दूर, लोग देख भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में सरकार के बारे में जो भी बात की जाती है, सरकार के नुमाइंदों का तर्क अलग ही होता है। मॉब लिंचिंग पर ऐसा ही कार्टून हमने भी बनाया, जिस पर सरकारी वकील का तर्क आप पढ़ सकते हैं। पांचवा कार्टून, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे तो जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं और इसकी वानगी एक बार फिर मथुरा में हुए एक प्रायोजित कार्यक्रम में देखने को मिली। माफ कीजिएगा, प्रायोजित नहीं, प्रेरक कार्यक्रम में देखने को मिली। आयोजन तो बेहद ही अच्छा था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यहाँ देशवासियों से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की। लेकिन हमारे कार्टून के हिसाब से इस आयोजन को इसलिए भी अच्छा माना जा सकता है क्योंकि इस कार्यक्रम के बहाने ही सही, लेकिन वो महिलाएं जो हमेशा गंदगी और कीचड़ के बीच पन्नी बिनती थी, उन्हें एक 5-स्टार कार्यक्रम में आधा एक घंटा बैठकर हरे कारपेट के ऊपर पन्नी बिनने का मौका मिला और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उनका साथ बखूबी निभाया। क्या से क्या हो गया? छठवां कार्टून, हाल ही में हमारे देश की सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हुए हैं और इस मौके पर हमारे प्रधानमंत्री ने रांची झारखंड में कुछ ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर अच्छे अच्छे दहशत में आ गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मित्रों ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके बाद देश के तमाम सारे अर्थशास्त्री, देश के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के वो लोग जो देश को गाड़ियां देते हैं, देश में रोजगार की तलाश में भटक रहे युवा, धड़ल्ले से पाताल की तरफ बढ़ रही जीडीपी, इन सभी ने अपने कान खड़े करते हुए सोचा कि प्रधानमंत्री जी अगर ये ट्रेलर है तो इसे इतना ही रहने दीजिए, न जाने पूरी फिल्म कैसी। सातवां कार्टून, कल यानी 13 सितंबर को एक खबर आई कि ग्लोबल इंडेक्स 2019 के अनुसार विश्व की टॉप 300 यूनिवर्सिटीज में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। हमें वर्ग भी क्या बनना है भाई, हमारे प्रधानमंत्री तो पहले ही कह चुके हैं कि मित्रों आपको हार्वर्ड चाहिए या हार्डवर्क। इसी नारे को सुनकर देश के युवा ने 5 साल पहले सोचा होगा कि हार्वर्ड पढ़ने कौन जाएगा, हार्डवर्क ही कर लेते हैं। इसके बाद हमारी सरकार लगातार 5 सालों तक युवाओं से हार्डवर्क कराने की कोशिशों में जुटी रही, पर हुआ क्या, युवाओं ने बहुत हार्डवर्क किया। युवा सुबह तैयार होकर अपने घर से निकलते, जूते मोजे पहनते, सड़क पर दिन भर उन्हें घिसते और शाम को थक कर घर आ जाते, हुआ ना हार्डवर्क। और जब ये हार्डवर्क है तो फिर हार्वर्ड के जैसी यूनिवर्सिटी भारत में बनाकर कौन मूर्ख है जो उसमें पढ़ाई लिखाई करवाएगा और उसे ग्लोबल इंडेक्स में टॉप 300 यूनिवर्सिटीज में शामिल करवाएगा।
आठवां कार्टून। ये कार्टून बहुत ही अच्छा है क्योंकि कार्टून यातायात के नियमों का पालन करने की सीख देता है। और देखिए, जो यातायात के नियमों का पालन नहीं करेगा वो देशद्रोही जरूर कहलाएगा, क्योंकि हमारी सरकार ने बड़ी मुश्किल से जोड़ तोड़ करके, गणित लगाकर, मेहनत करते हुए आप सभी के लिए जुर्माना तय किया है ताकि वो आपका काट सके चालान। नौवां कार्टून। और बॉस, अंत में आपको जो कार्टून हम दिखाने जा रहे हैं, ये कार्टून तर्क वितर्क से परे है, इसलिए इस बारे में तर्क मत कीजिएगा। क्योंकि कल को अगर आपको कोई आकर कहे कि सबसे पहले उड़ने वाला विमान एक मिस्त्री ने बनाया था और वह द्वापर युग में पैदा हुआ था, तो बिना सोचे समझे मान लीजिएगा। और नहीं यकीन होता हो तो हमारे योगी बाबा से पूछ लीजिए, शायद उनके पास उसका पता भी होगा। हमारा लैंडर विक्रम चंद्रयान के साथ जो गया था, वह चांद पर सही लैंडिंग भी शायद इसलिए नहीं कर पाया होगा क्योंकि वहां पर आइंस्टीन की ग्रेविटी ने काम नहीं किया होगा। और ऐसे ही तर्क आपको आने वाले दिनों में और भी सुनने को मिलेंगे। और ये कार्टून हमने समर्पित किया है देश के आदरणीय रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को, जिनकी बातें तर्कों से कई ज्यादा परे हैं, पर आप उनसे शिकायत भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें चुना तो आखिरकार आप नहीं है। तो ऐसे में ये जो कार्टून है, इस कार्टून पर दिमाग मत लगाइए, सिर्फ मुस्कुराइए। That you see on television, oh, if you're looking at a 5 trillion economy, country will have to grow at 12%, today it's growing at 6-7%. Don't get into those maths. Those maths have never helped Einstein discover gravity. If you had only gone by structured formulae and what was past knowledge, I don't think there would have been any innovation in this world. भाई कोई बात नहीं, जुमलों और लतीफों की सरकार में थोड़ी बहुत हंसी ठिठोली तो बनती ही है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप हंसें तो पड़ोसी को पता ना चले, नहीं तो मोदी जी इस पर भी टैक्स लगा देंगे। सब गोलमाल है कि इस खास पेशकश में इस हफ्ते फिलहाल इतना ही। तब तक आप प्रचार भारत का प्राइम टाइम देखते रहिए और रोज रात को 9 से 10 मुस्कुराते रहिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।